नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट परीक्षा की आंसर की के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। ये पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है। इसका जो आंसर है वो डी होगा, सी एट द रेट। इसके बाद में भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है 78 पर क्रम में लिखित में, इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, विनियम बिल, वचन पत्र और चेक। इसके बाद में अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 243 के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है, तो ये पंचायत है। इसका बी सही होगा। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है कि ये किसके बीच में, सिक्किम और नेपाल के बीच में है। दोस्तों इसमें लगभग सभी प्रश्नों को बताया गया है और पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न छूट गए थे और कुछ के गलत आंसर थे, इसलिए ये नया वीडियो अपलोड किया गया है। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों द्वारा लड़ी गई थी, तो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला। इसका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर लें, और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर लें। 74 उत्तर प्रदेश की दो राज भाषाओं में से इसका ये उर्दू है। जीएस के और रीजनिंग के लगभग सभी प्रश्नों को बताया गया है, केवल हिंदी के कुछ प्रश्नों को अभी नहीं बताया गया है। किस वाशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार को, तो ये है जमाल खबोशी, सऊदी अरब के पत्रकार थे, इनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद में जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो क्या चीज़ें नहीं बतानी जानी चाहिए, ये आपकी पसंद और नापसंद। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके प्रति श्रद्धांजलि है, ये सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके बाद अगर आपके काम की गलती के कारण संगठन को कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेना और इसे बड़ी समस्या बनने से हल करना। छाती पर तिर्यक बाएँ किस बात की द्योतक हैं, तो वो असुरक्षितता इसका प्रमुख कारण होता है। अगला प्रश्न है पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक, तो इसका जो सही आंसर है वो है बागडोगरा। हवाई अड्डा था ये पहले, अब एक नया हवाई अड्डा बन गया है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन, ये सारनाथ है। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है, तो वो है स्मृति मंदाना। इनके भाई और पिता मैं बता चुका हूँ कि जिला स्तर के क्रिकेटर रह चुके हैं। नाथुराम गोडसे के वे तीन भाई कौन है जो आरएसएस से जुड़े थे, दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। इसके बाद में 65 है, उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है चुनार काली मिट्टी के बर्तन। इसका ऑप्शन ए सही है। रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है, तो ये जो है सबसे पहले ईमेल भेजने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों की समानता का वचन देता है, विचार और, तो जो 62 है 62वां है, इसका जो सही आंसर है वो होगा हैसियत और अवसर। तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है, और ये समानता की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है, तो वो निर्देश व्याख्या, इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद में 60 नंबर का प्रश्न है, लिखा हुआ है लाल किला, विश्व, दिल्ली, भारत और ब्रह्मांड, तो लाल किला दिल्ली में है, तो पहला, तीसरा, फिर भारत, और इसके बाद में 2 और 5, तो जो इसका सही आंसर है वो बी इसका भी हो जाएगा। फिर है एक निश्चित कूट भाषा में पीपल को ये कहा जाता है, उसी कूट भाषा में कंट्री को क्या कहा जाएगा, तो जो इसका सही आंसर है डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी, YRTNUOC, इसको केवल उल्टा लिखना है, इसमें कोई और बड़ी बात नहीं है। फिर एक नंबर सीरीज है, बहुत ही आसान है ये, 1.5, 3, 4.5, 6, 7, 9, इसमें 1.5 सभी में जोड़ देना है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 10.5, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करिए, ये सीरीज ये भी है 11, 120, 15, क्या क्या होगा, तो 11 के स्क्वायर में एक कम कर दिया है, 121 में एक कम कर दिया, इसी तरीके से 15 के स्क्वायर में एक कम कर देंगे, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है ये कोडिंग का है, गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, तो मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, जल्दी से बता देता हूँ आपको कि इसका जो आंसर है वो 5 सही हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न ये देख सकते हैं, ये वेन रे बना हुआ है,
बैगन भोजन सब्जी को सही ढंग से बनाता है तो वो ये है, भोजन बैगन और सब्जी ये तीनों एक के अंदर एक जो बना हुआ है यही हो जाएगा। इसके बाद में मक्खन दूध से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार कागज़ से लुगदी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लें। और 53 का आंसर थिएटर हो जाएगा, सिनेमा, अभिनेता, निर्देशक, थिएटर ये सभी जुड़े हुए हैं। और इसी तरीके से एक ये चित्र बना हुआ है, इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। और फिर है निवास स्थान और जानवर का नाम दिया शेर, मांद, पक्षी, घोंसला, तो ये बिल्ली, म्याऊं, ये असंगत है। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, एम एल का पिता है, ये देख लीजिए ये कोडिंग का आया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एम एल का पति है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद में फिर से है पी का अर्थ ये इस तरीके से दिया हुआ है, 49 का डी हो जाएगा, 108। और इसके बाद में फिर दिया हुआ है कि दो तर्क दिए हैं, हमारे देश में लग्जरी होटल पर बंद किए जाने चाहिए, नहीं धनाढ्य वाला, तो इसमें केवल पहला तर्क मजबूत है कि अगर ये होटल नहीं होंगे तो विदेशी पर्यटकों को ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। इसके बाद में फिर अगला प्रश्न है कि सभी महिलाएं फूल हैं, सभी फूल तोते हैं, तो ना तो इस निष्कर्ष फर्स्ट और इसमें ना तो निष्कर्ष पहला ना तो निष्कर्ष सेकेंड, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, इसका जो आंसर है वो पुत्र वधु हो जाएगा, 46 का पुत्र वधु। और इसके बाद में अमूदा कॉलेज का मुंह, जो ये वाला जो प्रश्न है इसमें पश्चिम आएगा, बी इसका आंसर सही हो जाएगा, 45 का बी। फिर है आपको दो ये कथन दिए हैं ए बी सी डी ई, इनमें सबसे हल्का कौन है, इसका आंसर नहीं निकल पाएगा, ना तो कथन फर्स्ट ना तो कथन सेकेंड, दोनों अपर्याप्त हैं। इसके बाद में अनुपस्थित पद का चयन करें, ए टू सी इस तरीके से दिया हुआ, तो इसका जो सही आंसर है वो ई 32 जी हो जाएगा। सिंपल सा है, 2, 4, 8, 16, 32 आ जाएगा, फिर ए बी सी डी ई आ जाएगा और इस तरफ से सी डी ई एफ जी आ जाएगा, तो इसका आंसर सी ई 32 जी है। और रानी अपने घर से पहले 15 मीटर सामने, और फिर ये इस तरीके से दिया हुआ है, इसका सही आंसर 10 मीटर आएगा, आप लोग लगा के देख लीजिए। फिर है नीचे ये कथन दिए हुए हैं और उसका निष्कर्ष दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो सकता है, केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है कि सब कुछ पैदा करना और उत्पादित करना असंभव है जिसकी एक देश को ज़रूरत होती है। तो प्रत्येक देश में हर चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, किसी में सोना होता, कहीं हीरा पाया जाता, कहीं पेट्रोलियम पाया जाता है, इसलिए जो है कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। दोस्तों ये हो गया पूरा जीएस, पूरा जीके और पूरे रीजनिंग के प्रश्न। अब कुछ हिंदी के प्रश्नों को भी देख लेते हैं, जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए या विकसित हुए हैं तो उनको तत्सम शब्द कहा जाता है, जो मूल रूप से हिंदी में लिए गए हैं। कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसमें अमूल्य शब्द तत्सम है। और फिर है सुहावना, लिखाई, छलिया, इसमें प्रत्यय बताइए, तो प्रत्यय है इसमें आवना, आई और इया, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि ऐसे समासिक शब्द जो संख्यावाचक होते हैं वो कौन से समास होते हैं, तो वो द्विगु समास होता है, जैसे त्रिभुज, चौराहा इत्यादि, इनमें संख्या बताई गई है। इसके बाद में हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 4। और फिर है कंचन एक कृषांगिनी युवती है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि। इसमें जो है कंचन एक कृषांगिनी है, इतना पर्याप्त है, इसमें युवती की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का है, तो ये पुरुषवाचक जो है इसका है। और इसके बाद में लिखा हुआ अनौपचारिक पत्र का उदाहरण, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। इसके बाद में से अलगाव किस विभक्ति का, तो इसमें जो है अपादान से, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा अपादान से, तो इसमें अपादान होगा, जो किसी चीज़ से अलग होता है तो उसको अपादान कहते हैं। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल रूप से वर्तमान स्थायी तद्भाव तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो अर्ध तत्सम होते हैं, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको जितेंद्री कहते हैं, जिसने इंद्र को जीता हो उसको इंद्रजीत कहते हैं। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं जिनका प्रयोग किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। और क्रमबद्ध समूह को, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो ये होगा वर्ण समूह, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीवन में सफल, ये जो एक पैराग्राफ दिया गया है उससे संबंधित प्रश्न है, लिखा हुआ है उपर्युक्त अवतरण का शीर्षक दीजिए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो शीर्षक है वो कार्य तत्परता, इसका ऑप्शन सी। ये कार्य तत्परता से शुरू ही होता है, ये देखिए ये लिखा तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है, तो इसका जो शीर्षक है वो कार्य तत्परता हो सकता है। और इसके बाद में जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए प्रमुख उपादानों में से, तो ये जागरूकता है। इस पर अगर आपको पढ़ेंगे तो इसमें आपको जागरूकता भी मिल जाएगा। ये हो गया आपका 24 नंबर। और इसके बाद में अगला प्रश्न है गद्यांश का उचित संक्षेपण क्या होगा, तो उचित संक्षेपण इसका बी है, जागरूकता। प्रत्येक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुड़ जाते हैं, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो इंग्लिश, ये हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना, 21 नंबर है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य वाला जो प्रश्न पूछा गया ये इंट्रोगेटिव होगा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टीड ऑफ आस्किंग फॉर रिक्वेस्टिंग, एक असिस्ट व्यक्ति कुछ कहता नहीं है सीधे आदेश देता है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है नियत, नियत शब्द के युग्म और अर्थ भेद का चयन कीजिए, तो जो नियत होता है वो होता है निश्चित इरादा, इसका जो है ये सी, इसका ऑप्शन सी सही होगा। नियत समय जैसे होता है, नियत समय मतलब निश्चित, और नियत मतलब इरादा, उसकी उसका नियत ये है। यदा कदा, तो यदा कदा का अर्थ होता है जब जब या जब कब, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद में दुरात्मा, तो इसमें ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दुर हो जाएगा। और किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, तो परिणामवाचक जो क्रिया विशेष वो हो जाएगा ए, इस बारिश में बहुत ओले पड़े, तो यहाँ पर परिणाम की बात हो रही है। वे वाक्य सरल वाक्य होते हैं जिनका एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, इसका ऑप्शन सी सही हो जाए। विपत जाल में कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि है, इस ऑप्शन बी। आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है, तो ये सामर्थ्य सूचक है। तो ये हो गए जूनियर असिस्टेंट की आंसर की, इसमें दो चार क्वेश्चन हिंदी के नहीं बताए गए हैं, वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट, और थोड़ी देर में अभी मंडी परिषद की भी उत्तर कुंजी अपलोड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।